मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासकर मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड खूब तप रहे हैं। खरगोन में तो पारा 46 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि भोपाल, ग्वालियर में पारा 43 डिग्री के पार है। रविवार को खरगोन राजस्थान गुजरात के शहरों से भी गर्म रहा। कहीं भी पारा खरगोन के बराबर 44.8 डिग्री तक नहीं पहुँचा। देखिए खबर। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार को भी गर्मी तेवर दिखाएगी। ग्वालियर, खरगोन, धार, रतलाम, गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में हीट वेव यानी लू चलने के आसार हैं। मंगलवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि 16 से 20 मई के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से प्रदेश के ग्वालियर, रीवा, चंबल संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी, बाकी जगहों पर हल्के बादल रहेंगे, लेकिन गर्मी तेवर तीखे ही रहेंगे। पिछले 24 घंटे में गुना, जबलपुर और सागर जिले में बूंदाबांदी हुई है। मध्य प्रदेश में दिन के साथ रातें भी तपने लगी है। प्रदेश में 30 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ दमोह सबसे गर्म रहा। नर्मदापुरम में 28.6 तो छिंदवाड़ा में रात का पारा 27.6 डिग्री रहा। पंचमणि में यह 25 डिग्री रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान मलाजखंड में 20.1 डिग्री दर्ज हुआ।